नमस्ते फ्रेंड्स, केम छो? मजा मा? तो आज ना हमें 1 kg पाइनएप्पल केक का ऑर्डर आया था। तो इसकी डिज़ाइन ना बहुत ही यूनिक है और एक ही 2 नोजल से ही बन जाएगी पूरी की पूरी डिज़ाइन। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने ये कैसे बनाया है, क्योंकि बलून नोजल का यूज़ ना बहुत ही टिप्स के साथ करना पड़ता है, मुझसे भी मिस्टेक हुई है, मैंने वीडियो में आगे दिखाया है। तो पहले ना हमने इसके लिए स्पॉन्ज बेक कर लिया था 1 kg के लिए, और उसे क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी आधे घंटे के लिए। अब मैं ना क्रीम में मैंने पाइनएप्पल का इमल्शन डाला है और अब मैं ना इसे फाइनलाइजिंग कर रहा हूँ। तो पैलेट नाइफ की मदद से ना मैं अच्छे से फाइनलाइजिंग कर लूँगा। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी बताया है कि पाइपिंग बेक से अगर आप फिनिशिंग करेंगे ना तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा और क्रीम की वेस्टेज कम होगी, पर वो बिगिनर्स के लिए है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मुझे ना आप डायरेक्ट क्रीम अप्लाई करके ज़्यादा अच्छे फिनिशिंग आ रहा है इससे मेरा, तो मैंने ऐसे ट्राई किया है तो मेरा इससे अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। अब मैंने ना न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा पानी डाला था और उसमें ना मैंने इमल्शन ही डाला है पाइनएप्पल का, और इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया और छोटा सा छेद कर लिया। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के न्यूट्रल जेल लिया था और उसमें 1 चम्मच पानी डाला था। तो इससे हम अच्छे से फैला लेंगे, जितनी जगह पे हमें डिज़ाइन करनी है ना उस जगह पे हम नहीं फैलाएंगे। हमने यहाँ पे ड्रिप्स बनाई है और जितना भाग खुला रहने वाला है ना केक में उस जगह पे हम न्यूट्रल जेल डाल दिया। इसे हम ग्लेजिंग जेल भी कहते हैं और न्यूट्रल जेल भी कहते हैं। ये हमें ना किसी भी रो कैप मटेरियल शॉप पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बलून नोजल को ना हमें ऐसे हाथ को ट्विस्ट करते जाना है, एक तरफ दूसरी तरफ, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। तो मैंने मेरे यहाँ पे 3 अच्छे से बन गए थे और चौथा था ना वो थोड़ा सा छोटा बना था और उतना अच्छा भी नहीं बना था, तो मैंने उसे निकाल लिया था। जो हमारा न्यूट्रल जेल बच गया था ना इससे हम इस बलून नोजल की डिज़ाइन पे ना ऐसे डाल देंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से, कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। तो हमें बलून नोजल से ना डिज़ाइन बनाते वक्त ना लास्ट में उसे अंदर पुश करके ना फुल करना होता है, इससे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन आती है। तो मेरे यहाँ पे 3 तो अच्छे से बन गई थी, पर एक ना क्रीम कम होने की वजह से थोड़ी सी छोटी बन गई है बलून नोजल वाली डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे ना कैंची की मदद से ना उसे उठा लूँगा और वापस से बनाऊँगा। देखिए ऐसे आप गड़बड़ हो जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे कैंची की मदद से अच्छे से उठा सकते हैं। देखिए दोनों तरफ ट्विस्ट करते जाना है और पुश करके फिर ऊपर उठाना है, ताकि ना बहुत बढ़िया सी हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। उसमें भी मैंने ये येलो न्यूट्रल जेल से डिज़ाइन बना दी है। अब मैंने ना 6B नोजल लिया है, ये भी आपको किसी भी रॉक एक मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। उसे ना बीच जहाँ पे जगह है ना वहाँ पे हम अच्छे से ड्रॉप वाली डिज़ाइन दे देंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट गार्निशिंग ली है, मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखी थी, तो उसे बीच बीच में मैंने 3 गार्निशिंग लगा दी। अब मैंने ना यहाँ पे बड़े वाले जो पल आते हैं ना शुगर पल्स वो लगाए हैं। तो आप ना ऐसे बलून नोजल पे डायरेक्ट रखोगे ना तो वो अंदर चली जाएगी, तो मैंने ना थोड़ी सी क्रीम को ऐसे ये 6B वाले नोजल से ही ड्रॉप दे के उसके ऊपर रखा है, इससे ना आपकी अच्छे से ऊपर ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली शुगर की वाइट जो पल्स आती है ना वो लगाई है। तो मैंने नाम लिखने के लिए जो बोला था वो भी लिख दिया है। तो हमारी ना यहाँ पे केक की डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ।